जिथे मदनी डेरा ने जिंदड़ी चल चलिए, जिथे मदनी डेरा ने जिंदड़ी चल चलिए, इत्थे कोई नहीं ते। आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसी पुरइसरार मस्जिद के बारे में बताएंगे जो यकीनन अपनी मुनफरिद नौइयत की हामिल पहली मस्जिद है। इस मस्जिद की तामीर में मज़हब, फ़न, तारीख और रूहानियत का इम्तिज़ाज नज़र आता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएँ ताकि हमारी मालूमती वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। मस्जिद के आइडिया और तामीराती अंदाज़ के बारे में अगर कुछ यूँ अहाता किया जाए तो बेजा नहीं होगा कि ये खालिक और मखलूक का मामला है, मबूद और अब्द का राज है, मस्जूद और साजिद का मामला है, गनी और मोहताज का राज है, शहनशाह और गदा की बात है, नबी की उम्मती पर अता है, आका का गुलाम पर कर्म है, महबूब की मुहिब को मोहब्बत की भीख है, दाता की फ़कीर पे सखा है, मसीहा की बीमार को शफा है, इधर अदना उधर आला है, इधर बेकस उधर मुश्किल कुशा है, इधर उम्मीदवार करम उधर करम का मलजा व माबा है, इधर गमजदा उधर गमखार है, इधर दिल शिकस्ता उधर दिलदार है, इधर शीदा उधर हुसन का ताजदार है, इधर परवाना उधर शमाए अनवार है, इधर रहम का मुल्तजी उधर रहमतुल आलमीन और कफे पाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मस्जिद के तमीर कुनंदा जनाब अलहाज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद फरख हफीज साहब मस्जिद मुबारक का हाल लिखते हुए कहते हैं कि आगाज़ कार से ही मफूकुल फितरत हालात वाक़ियात ने खुश आमदीद कहा, हर मुश्किल आसान होती चली गई, हर मरहला तय होता गया, फ़नून इसरार के गोया खजाने खुल गए, हर काम में ताईद गैबी नज़र आई। इस मस्जिद का आगाज़ 19 जिलहज सन हिजरी 1421 बमुताबिक 16 मार्च 2001 बाद अज़ नमाज जुमा किया गया। इस मस्जिद की आर्ट डिज़ाइनिंग फ़नी तख्लीक खालिस्तन अलहाज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद फरख हफीज़ साहब ने की। अलहाज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद फरख हफीज़ साहब ने संगे मरमर पर बराह रास्त 8 मुख्तलिफ रस्म अल-ख़त में लिखा जो मुस्तमल खताती से कदरे मुख्तलिफ है। इस खताती को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान ने एक शानदार कौमी यादगार करार दिया। इस मस्जिद की तामीर से मुतल्लिक चंद आलमी रिकॉर्ड्स भी हैं जिनमें सफ़ेद संगमरमर पर दुनिया भर में इससे कबल इतना आला, भरपूर, मायारी और कसीर खताती, कुनिंदाकारी और फ़नी तख्लीकी काम नहीं हुआ। जिन रज़ाकारों ने फ़नी काम किया उस काम से पहले इस हुनर से बिल्कुल नाबाल थे और इस सिलसिले में उन्हें किसी किस्म का तजर्बा भी ना था, बल्कि ख़ुद टीम लीडर अलहाज डॉक्टर हाफिज मोहम्मद फरख हफीज़ साहब भी इससे कबल इन तमाम फ़नून से नाआशना थे। मुख्तलिफ पेशाहाए ज़िंदगी के लोग जो दिन भर अपने ज़ाती पेशा वाराना अमूर में मसरूफ़ होते, उन्होंने रात के वक्त मसनूई रोशनी में नात शरीफ की मुसलसल गूंज में रज़ाकाराना और जज्बाती जोश व खरोश के साथ ये फ़नी काम किया। इस तामीर में इस शोबा के पेशावर कारीगर शामिल नहीं थे। तमाम वज़न बर्दाश्त करने वाले हिस्सों को, जिनमें बड़ी मेहराबें, गुंबद और छत शामिल हैं, खालिस संगे मरमर की वेज की सूरत में जुड़ाई के साथ आर्च के बुनियादी असूल के तहत तमीर किया गया और इसकी मजबूती के लिए कोई और तरीका, मसलन लेंटर या कालब इस्तेमाल नहीं किए गए और इस तरीका को डॉक्टर साहब ने वेज टेक्निक का नाम दिया, जिसके बगैर छत के नीचे वाले हिस्सा पर आर्ट वर्क मुमकिन ना था। गुंबद और छत की अंदरूनी सतह दीवारों और इमारत के बैरूनी और अंदरूनी अतराफ में इतनी कसरत से खताती और फ़नी काम किया गया है जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। दूसरी तमाम यादगारी तामीरात की तरह इसकी ना तो पहले से कोई मनसूबा बंदी की गई और ना ही किसी ख़ास बजट का तयन किया गया, बल्कि ग़ुलामी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरमाया कुल जानकर बग़ैर मुतअय्यन वसाइल के तवक्कल की बुनियाद पर इसे पाया तकमील तक पहुँचाया गया। इस मस्जिद के तमाम तर अखराजात अल्लाह ताला के खसूसी फजल व करम से बजरिया इन अफराद जो इस मस्जिद की तामीर में शामिल हैं या किसी तरह इससे मुंसलिक है कि बामी तावन से हासिल हुए, किसी भी तंजीम, इदारा, मुकामी या कौमी हकूमत या गैर मुल्की अतिया कुनिंदगान से
ना अतियात के लिए कहा गया और ना ही अतियात लिए गए। इसके अलावा आवाम से ना तो मकामी तौर पर और ना ही ज़राए अबलाग के ज़रिए किसी किस्म के अतिया की अपील की गई। ये मनसूबा खालिस्तन गैर फिरका वाराना, गैर पेशा वाराना, गैर सियासी और गैर तजारती है और इससे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हसूल मकसूद है। ये मस्जिद पाकिस्तान के ज़िला गुजरात के इलाका मंगवाल के करीब एक गांव कीरावाली में तामीर के आखिरी मरहल में है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी इस तरह की वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें।